तो मैं तुम लोगों को साफ साफ कह दूं, ये जो तो वैलेंटाइन डे पे तुम गणेश जी को छोड़ के लड़कियों के साथ घूमने जा रहे हो ना, पर इतना है कि फाइनली पहुंच गए। भैया ने हमारे घुटने टेक दिए हैं। अच्छा हम आए 25 किलोमीटर। ओह, लड़कियों के लिए रेड फूल ले रहे हैं, ऐसे नहीं गणेश जी के लिए येलो फूल ले रहे हैं। बाकी आज पिछली बार से भीड़ ज्यादा है। तो आ गए सेकंड पार्ट देखने, स्टार्ट करें फिर जर्नी। आ गए मेरी मौत का। ठीक है, तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब बैटरी बहुत है, 30% बैटरी बची है। तो मैं बहुत ही ब्रेक ले लेके है ना शॉर्ट्स लूँगा इसमें, और कंटिन्यू है ना इसमें रहेगा नहीं, तो मैं वॉइस ओवर के थ्रू बता दूंगा क्या एक्सपीरियंस रहता है क्या नहीं। सीढ़ियाँ पकड़ लेते हैं, यहाँ से बस स्टार्ट करो। ऑन द वे एडिटिंग और अपलोडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो चुकी है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि ज़्यादा कवर अप हो पाएगा मेरे से, चढ़ना ही इतना मुश्किल हो रहा है। ऑलरेडी 5 किलोमीटर वैसे चलना हो रहा है इन सीढ़ियों पे। अगर इस भीड़ में मुझे कोई भी मिला अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला तो उसके साथ मैं करवाऊँगा। बस आई होप कि ये बैटरी ड्रेन ना हो जाए सारी की सारी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ कैप्चर करना है, जाने का रूट भी कैप्चर करना है, उसमें भी तो दिक्कत आएगी ना, पर इतना है कि फाइनली पहुंच गए। तो डे टू या फिर सेकंड वेनसडे वो तो कवर अप हो गया भाई, सांस में मुश्किल से आ रहा है। तो लास्ट टाइम से इस टाइम में ये डिफरेंस है कि लास्ट टाइम हम आ गए थे सुबह सुबह, तो इतनी भीड़ नहीं थी, अभी भीड़ ज़्यादा है, उस वे में रूट पूरा भरा पड़ा है, तो आराम आराम से चल रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, रुकने का भी टाइम मिल रहा है। ओ भाई पैर पिसलेंगे, उस टाइम रूट खाली था, सब भागने में लगे हुए थे, भागते भागते थके, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है इस बार का भीड़ का। भैया ने हमारे घुटने टेक दिए हैं, जाते रूट में पता हो गया कितनी दूर से आए हो। भाई साहब हम आए 25 किलोमीटर। ओह भाई साहब मैं 5 किलोमीटर पर रो रहा हूँ, ये 25-25 किलोमीटर से चल के कितनी दूर से आ रहे हो? नीचे से भाई, मेरे को चल के नीचे से आना, चल के नीचे, मैं चल के 5 किलोमीटर से आ रहा हूँ भाई। वो ठीक है, चलो तो भैया बैठने से क्या होगा, चलो चलो। ये मुझे पता है मेरे कुछ दोस्त थे व्लॉग देख रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को साफ साफ कह दूं, ये जो तो वैलेंटाइन डे पे तुम गणेश जी को छोड़ के लड़कियों के साथ घूमने जा रहे हो ना, तुम्हारी 2 महीनों में टूटेगी देखना तुम्हें, मेरे 7 बुधवार होने से पहले पहले टूटेगी तुम्हारी, देखना चलेगी नहीं तुम्हारी, 2 दिन में टूटेगी अंकल जी कह रहे, बताओ। मैंने बोला अंकल जी गणेश जी को चलो शाम को चले जाना फ्रेंड के साथ तो घूमने, है ना, लड़कियों के लिए रेड फूल ले रहे, ऐसे नहीं गणेश जी के लिए येलो फूल ले रहे, इनकी 2 दिन में टूटेगी इनकी, अब तो अंकल जी ने कह दिए। बाकी आज पिछली बार से भीड़ ज्यादा है, इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जितना सोचा था उतना इजी नहीं है, पर अभी तो सेकंड टाइम है, 5 बार और आना है अभी तो। कैसे भाई पहली बार आ रहे हो? सब ये तीसरी बार आ रहे हो, कैसे अभी तक नॉर्मली पहुंच गए? तीन टाइम आराम से आ रहे हैं, लौंडे देख रहे हैं, लगा दो भाई एक बार और जयकारा लगा रहे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। विशेष निवेदन, मूर्ति की तस्वीर खींचना सख्त मना है, वरना आपका फोन जरूर कर लेंगे, इसलिए यहाँ से फोटोज ले रहा हूँ, बाकी आपको नाइट से फोटो डाल दूंगा, लास्ट टाइम बता रहे हैं। भैया आपका कौन सा टाइम है फिर? अरे भाई साहब इतना तो सिक्स टाइम है, क्या नाम है आपका? आराम से आगे क्या यार, हवा बना रखा है क्या फिर? ये बाउंडेशन आएगी यूँ आएगी भैया, तो 6 टाइम में क्या नाम बता रहा? अरे भैया तो 6 बार आगे बैठा था मनीष भाई, 3 बार मैं, 2 बार अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा, मैं 2 बार आगे 2 बार आगे। फाइनली 2 टाइम्स कंप्लीट हो चुके हैं 7 में से, अभी बस यू करते करते मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाएं, यहाँ पे हल्की फुल्की जगह बनी हुई है बैठने के लिए, थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद निकलेंगे। अच्छा एक्सपीरियंस था, पिछले वाले से भी ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस था इस बार वाले में।
मुझे पर्सनली बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शू मिल जाएंगे क्या, बट शू तो मिल गए, सॉक्स वहीं रह गए। पता नहीं अब कहाँ थे, मैंने ज़्यादा ढूंढे नहीं, शू दिखे मैंने फटाफट उठाया और मैं वहाँ से निकल आया। अभी आई थिंक 14% बैटरी बची है, मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा है। ये अभी भी खचाखच भरा पड़ा है और बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं आ रहा है, और बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार वाले में। तो मतलब सुबह सुबह आ जाए तो मच ज़्यादा बेटर है, पर इस टाइम आने पे तो भाई धूप पसीना और सब कुछ यहीं मिलेगा। मतलब लाइन देखो यार, अभी तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। उस टाइम कितना हो गया, 11:05 हो गए, और उस टाइम पे ये वाली लाइंस लगी हुई है। बताओ मॉर्निंग में आ जाना जैसे लास्ट टाइम हम आए थे, बहुत सही रहेगा, इतनी भीड़ भी नहीं मिलेगी और है ना फ्रेश एयर्स भी आती रहेंगी। तो चलो अब तो फ्लैट पे पहुंच के या फिर हॉस्टल पहुंच के कैप्चर करते हैं भाई, इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है मेरी। आई थिंक अब आपको ज़्यादा बेटर यहाँ से पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्राउड है और एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। आओ, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। बाकी एक जो मंदिरों में पॉजिटिव वाइब रहती है वो तो है ही, पर भाई साहब क्राउड देखो ना यार कितना ज़्यादा है। चलो अब चढ़ तो गए, अब उतरना भी है, उतरते हैं और फिर हॉस्टल चलते हैं। आई थिंक हॉस्टल पहुँचना ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे मन से तो एक ही आवाज़ आ रही कि नहीं हो पाएगा, मैं मेरे को जहाँ से जाना चाहिए वहीं से निकल लेता हूँ बस। वैसे मैं YouTube पे ये वाला पोल भी डाल दूंगा, लेकिन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सारे यहाँ पे अपने अपने पत्थर उठा के घर बना रहे हैं या एक दूसरे के घर से पत्थर उठा। ओके, तो एक सुंदर सा व्यू और सुंदर सा टाइम लैप्स आपको दिखा दिया मैंने, और फ़ोन ऑलमोस्ट डेड होने वाला है और मेरी भी अभी की कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो यहाँ पर देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि आप यहाँ पे आए हुए हो कि नहीं, आए हुए तो कितनी बार आए हुए। वीडियो को आपने अगर अभी तक यहाँ तक देख लिया है तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू। सबसे पहले मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं डाला था, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपने वीडियो को देखा, इस पर क्लिक किया और इतना देख लिया। अब से वीडियो रेगुलर आएंगे हर अल्टरनेटिव डेज पे। संडे को एक बहुत ही प्यारी गेम्स की वीडियो आने वाली है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सब साथ मिलकर बहुत ही प्यारा क्रिकेट मैच होने वाला है। मैं मिलता हूँ आपसे संडे को, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।